राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं। मैंने ये मंदिर का सेट बनाया है, तो होम टेंपल का ही है ये। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वेलवेट वाला फैब्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि दुपट्टा है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ सारा। यहाँ पे हमने पटका, युगल जोड़ी की ड्रेस, लड्डू गोपाल जी की, सबकी बनाई हुई है। और ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ बनाया हुआ है राधा रानी जी का। यहाँ मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर स्टिच नहीं किया है मैंने इसको, बिकॉज़ काफ़ी अच्छा इसमें घेर आया हुआ है। तो जब हम ये डोरी बांधेंगे तो ऑलरेडी ये इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये छोटे लड्डू गोपाल जी की है। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है और ये 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए युगल सरकार के लिए धोती, देख सकते हैं आप। और ये उनके लिए चोली। राधा रानी का लहंगा, राधा रानी जी का लहंगा है ये। और ये उनका ब्लाउज़ है। और यहाँ पर मैंने ये चुनरी बनाई हुई है, बिकॉज़ ये उन्हें सर्दियों में ही यूज़ करने हैं। बट मैंने अभी काफ़ी टाइम का रखा हुआ था ये, तो मैंने बनाया है अब। तो इसी तरीके से चुन्नियाँ हैं, ये पटका है, और ये भी देखिए राधा रानी जी की चुनरी है। तो इस तरीके से ये सेट है पूरा। उन्होंने अपने पूरे जो भी भगवान जी रखे हुए हैं सबको सेट वाइज ही पहनाना है। तो इस तरीके से ये उन्होंने सेट बनवाया है। तो अगर आप चाहते हैं अपने मंदिर के लिए सेट बनवाना, तो आप भी इस तरीके से बनवा सकते हैं उनका मेज़रमेंट देकर। और यहाँ एक मैं दिखाती हूँ आपको, जन्माष्टमी के लिए मैंने बनाया है, ये भी मंदिर सेट है। तो ये देखिए, ये भी ये छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए है, 2 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। और एक एक करके दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, ये जो खड़े वाले जो राधा कृष्ण होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये उनके लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पीस में बनाया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइनिंग लगी हुई है, अस्तर भी बोलते हैं हम इसको। तो ये देखिए, यहाँ पर भी डोरी में मैंने ये टेसल्स लगा दिए हैं, ताकि कई बार क्या होता है ना, डोरी निकल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सभी में टेसल्स यूज़ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं युगल सरकार की ड्रेस। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है। मैं बना रही थी तब भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये। और ये राधा रानी जी का लहंगा है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये उनकी 5 नंबर की राधा रानी है, उनका ड्रेस है, जो बाल राधा रानी होती हैं। और ये युगल सरकार में है ड्रेस। और ये उनके 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, उनके लिए है। तो राधा रानी के लिए मैंने चुनरी बनाई है। ये देखिए, दोनों राधा रानी के लिए इस तरीके से मैंने लेस लगा के पूरा चुनरी बनाई है। और इस पे छोटे छोटे स्टोन लगा दिए हैं बारीक वाले। ये देखिए इस तरीके से नेट में बनाई हैं। और ये पटके बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इस तरीके से ये सेट बना हुआ है। अगर आप भी इस तरीके से बनवाना चाहते हैं, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम
फिर से मिलते हैं एक नई सेट के साथ, और मैं दिखाऊंगी आपको कि नेक्स्ट में मैंने क्या बनाना है। तो चलिए, और कई बार मुझसे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स कि जो हम लड्डू गोपाल जी के लिए डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं तो उनका रॉ मटेरियल मिल जाता है क्या, जो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खुद से ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो वो रॉ मटेरियल उसी ड्रेस के हिसाब से ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। और ये देख लीजिए आप, इस तरीके से अगर आप कुछ भी बनवाना चाहते हैं अपने लड्डू के लिए तो इस तरीके से बनवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।